Hello everyone, welcome back to my channel, that's IELTS with Sonali. My name is Sonali and I am an IELTS trainer. Today we shall start with the topic noun and number. This video will be first part of this. There are two varieties of noun according to number. Noun दो type के होते हैं अगर हम number के according बात करें तो. First होता है हमारे पास singular noun and another one is plural noun. अब हम जाते हैं इन दोनों के definitions पर. सिंगुलर नाउन, इफ़ अ नाउन टेल्स अबाउट ओनली वन इट इज़ कॉल्ड सिंगुलर नाउन. अगर एक नाउन हमें बताए किसी एक चीज़ के बारे में, एक ही नंबर के बारे में, एक ही क्वांटिटी के बारे में, हम उसे सिंगुलर नाउन बोलते हैं. बट इफ़ अ नाउन टेल्स अबाउट मोर देन वन देन इट इज़ टर्म्ड एज प्लूरल नाउन. अगर हमें कोई नाउन एक से ज़्यादा किसी भी चीज़, इंसान, किसी के बारे में भी हमें बताए तो हम उसे प्लूरल नाउन कहते हैं. हमारे पास कुछ रूल्स हैं जो कि सिंगुलर इनटू प्लूरल कन्वर्जन में काम आते हैं. अब हम उनको गो थ्रू करेंगे. ये वीडियो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होगी. इस पूरी वीडियो के अंदर आपको पांच ही नए रूल मिलेंगे और बाकी की जो रूल्स होंगे वो आगे वाली वीडियोज़ में आपको मिलते जाएंगे. सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट रूल के साथ. दैट इज़, जनरली किसी भी नाउन के लास्ट में हम एस जोड़कर उसको प्लूरल नाउन में कन्वर्ट कर देते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, पेन है हमारे पास तो हम उसको पेन्स कर देंगे, फ्लैट है तो फ्लैट्स कर देंगे. आपके सामने और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स गिवन हैं. अब हम जाते हैं सेकेंड रूल पर. दैट इज़, यदि किसी सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर एस, एस एच, सी एच, एक्स या फिर जेड हो तो हम उसके साथ ई एस जोड़कर उसको प्लूरल नाउन में कन्वर्ट कर देते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, बस. अब जो बस है हमारे पास वो एस से एंड हो रहा है. एस से एंड होने का मतलब अगर मुझे इसको प्लूरल नाउन में कन्वर्ट करना है तो मैं इसके एंड में ई एस लगा दूंगी. बुश, बी यू एस एच, एस एच से एंड है तो बुशेज हो जाएगा. बैच, बैच है, सी एच से एंड हो रहा है तो बैचेज हो जाएगा. टैक्स है, टैक्स से एंड हो रहा है तो टैक्सेज हो जाएगा. एक यहाँ पर और भी एग्जाम्पल है टोपाज के नेम से. दैट इज़ इन द फर्स्ट कॉलम टोपाज, उसमें टोपाजेज हो जाएगा. सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स जो कि एस, एस एच, डबल एस से हम रिलेट कर उसको प्लूरल नाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं. अब हम चलते हैं अपने तीसरे रूल की तरफ. दैट इज़, यदि किसी सिंगुलर नाउन, कॉमन नाउन का लास्ट लेटर वाई हो या फिर वाई से पहले कॉन्सनेंट हो तो हम Y को हटाकर आई ई एस से कन्वर्ट कर देते हैं. अब हम आते हैं सबसे पहले कॉन्सोनेंट क्या होता है. हमारे पास अल्फ़ाबेट्स के अंदर पूरे जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं, दीज आर 26 इन नंबर, उनमें हमारे पास पांच वॉवल होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू. ये हमारे पास वॉवल्स हैं. इनके अलावा जितने भी इंग्लिश में 21 लेटर्स हैं हमारे पास, 21 अल्फ़ाबेट्स हैं, वो सब के सब हमारे पास कॉन्सोनेंट्स हैं. तो जब भी हम y एंड में देखेंगे और उससे पहले कोई भी कॉन्सोनेंट होगा, हम वहाँ पे y को हटाकर क्या करेंगे, आई ई एस से रिप्लेस कर देंगे. तो हमारा जो सिंगुलर कॉमन नाउन होगा वो हमारा प्लूरल नाउन में कन्वर्ट हो जाएगा. आपके सामने कुछ एग्जांपल्स गिवन हैं, जैसे कि लेडी. लेडी को अगर हमें कन्वर्ट करना है प्लूरल नाउन में तो हम लेडीज़ कर देंगे, y हटाया एंड आई ई एस से हमने उसको रिप्लेस कर दिया. ए आर एम वाई, आर्मी. आर्मी को हम आर्मीज से कन्वर्ट कर देंगे. ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द रूल्स. आप बाकी भी एग्जांपल्स एक बार देख सकते हैं. अब हम चलते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ. दैट इज़, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर वाई हो या वाई के पहले कोई भी वॉवल हो, मतलब कि ए, ई, आई, ओ, यू हो, तो हमें एस लगाकर सिंगुलर नाउन का प्लूरल नाउन बनाना है. फॉर एग्ज़ाम्पल, वैली है तो वैलीज़ कर देंगे. मॉन्की है, देखो वाई के पहले ई है, ई इज़ अ वॉवल, हमें अगर उसको प्लूरल नाउन में कन्वर्ट करना है तो हम मॉन्कीज़ कर देंगे. डोंकी, वाई से पहले ई है, ई इज़ अ वॉवल, तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, डोंकीज़ कर देंगे, सिर्फ एस को इंसर्ट करेंगे. नेक्स्ट हमारे पास इस वीडियो का लास्ट रूल ये है कि यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर सी एच हो और सी एच का उच्चारण क की तरह होता हो, मतलब कि जैसे स्टोमक है, हम वहाँ पर क बोलते हैं, कभी भी हम पेट के लिए स्टमच का यूज़ नहीं करते, स्टमक का यूज़ करते हैं, तो एंड में क आता है बट उसके स्पेलिंग में सी एच होता है.
जहाँ पर भी हमें कुछ ऐसा मिल जाए हमें वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एस को जोड़कर प्लूरल नाउन बनाना है उसका। फॉर एग्जांपल मोनार्क मोनार्क्स हो जाएगा, उसकी भी प्रोनंसिएशन क के एंड होता है और वैसे उसके स्पेलिंग्स में सी एच होता है। इन द सेम वे स्टमक होता है, अगर हमें उसे कन्वर्ट करना है प्लूरल नाउन में तो देट विल बी स्टमक्स रिलेटेड टू नाउन एंड नंबर। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट वर्जन ऑफ दिस। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन हिट द लाइक बटन and if you are new to this channel then subscribe this and hit the bell icon as well so that you never miss any update. You can follow me with the same name IELTS with Sonali at Facebook account, Instagram and Skype. Thanks for watching.